आज हम एक गुब्बारे को फुलाएंगे और उसमें गांठ नहीं लगाएंगे, फिर भी गुब्बारा फूला रहेगा। इसके लिए आपको 5 सेंटीमीटर का एक सख्त कार्डबोर्ड का टुकड़ा चाहिए और एक डोरा चाहिए। सामान्यतः हम गुब्बारे को फुला करके उसमें गांठ लगाते हैं और जिसको खोलना बेहद दुश्वार होता है, इसलिए अंत में हम गुब्बारे को फेंक देते हैं। हम उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक सख्त गत्ता लें 5 सेंटीमीटर वर्ग का और उसके अंदर एक छोटा सा छेद बनाएं। उसके बाद में आप पहले तो गुब्बारे को फुलाएं, फिर उसके मुंह के चारों ओर एक डोरा या ऊन को लपेटें और उसके दोनों सिरों को इस चौकोन गत्ते के छेद में से निकाल करके खींचें तो देखिए गुब्बारे का मुंह दोहरा होकर के ऊपर आ जाएगा और इससे एकदम गुब्बारे का मुंह बंद हो जाएगा और उसमें से हवा नहीं निकलेगी। ये गुब्बारे को बंद करने का, लॉक करने का एक बेहद ही नायाब तरीका है। आप इसको गौर से देखिए, इसमें कोई गांठ नहीं है और उसके बाद में भी गुब्बारे में से हवा नहीं निकलती। आप चाहें तो खींच करके गुब्बारे को इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं या फिर डोरे को खींच करके दोबारा से गुब्बारे के मुंह को बंद कर सकते हैं। देखिए गुब्बारा अब बहुत देर तक इसी स्थिति में फूला रहेगा और गुब्बारे में से हवा बाहर नहीं निकलेगी। आप चाहें तो दो गुब्बारों के मुंह को आपस में इस तरह से बांध सकते हैं। अगर आप गुब्बारे को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुब्बारे को खींचिए, डोरे को निकाल दीजिए और ये लीजिए, आपका गुब्बारा दोबारा तैयार है इस्तेमाल के लिए। और आप इस फूले हुए गुब्बारे से बहुत देर तक खेल सकते हैं, इसमें से हवा बाहर नहीं निकलती।